इंदौर में कर्मी सेना का नया गठन हो चुका है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सोनू ठाकुर को मिली है। इस मौके पर इंदौर शहर के कर्मी सेना के पदाधिकारियों ने सोनू ठाकुर का सम्मान किया। इस दौरान राजपूत समाज के कई लोग उपस्थित रहे। गौरतलब है कि कर्मी सेना ने इंदौर में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सोनू ठाकुर को नई जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे लेकर राजपूत समाज के लोगों ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सोनू ठाकुर का स्वागत किया। इस दौरान राजपूत समाज के वरिष्ठ गण उपस्थित रहे। सोनू ठाकुर ने बताया कि कर्मी सेना के संस्थापक स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी जिस तरह से कर्मी सेना को आगे बढ़ाया था, उसी तरह से समाज के लोग मिलकर कर्मी सेना को और आगे बढ़ाएंगे और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात कालवी जी के जो शब्द थे कि जो अपने जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं वो इस राष्ट्र का नहीं, उसी के भी हम आगे चलेंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष कर्णी सेना सोनू ठाकुर, श्री राजपूत कर्णी सेना। क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी कर्णी सेना के लिए, किस तरह से युवाओं के लिए भी लगेंगे हम, शिक्षा के जगह उसमें भी लगेंगे। दूसरी बात, पूरी 36 कौम का हम साथ देंगे, सभी हिंदुओं का साथ देंगे। सिर्फ ये सेना राजपूतों की नहीं है, ये कर्णी सेना जो है ये पूरे हिंदू वर्ग के लिए। आपका परिचय? मैं विक्रम सिंह पंवार सोनू ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजपूत कर्णी सेना। इस दौरान समाज के लोगों द्वारा सोनू ठाकुर का भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्होंने भारत माता को नमन कर प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाला। इस दौरान धर्मेंद्र सिंह गौतम, पार्षद राजू भदौरिया व अन्य समाज के लोग उपस्थित रहे। कर्णी सेना आदरणीय कालवी जी, जिनके द्वारा ये कर्णी सेना भारत में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि किसी एक व्यक्ति विशेष ने खुद के नाम से एक बड़ी कर्णी सेना को खड़ा करना अपने आप में गौरव की बात है। कालवी जी आज हमारे बीच में न रहे, मैं उनको स्मरण करता हूँ और उनके बताए हुए चलाए हुए संस्थान को उसी ताकत से दमदारी के साथ में चलना चाहिए। इसी चीज़ को लेकर हमारे बीच में भाई सोनू ठाकुर जी को प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। और मैं बताना चाहता हूँ कि कर्णी सेना जिस तासीर के नाम से जानी जाती उसी दमंगाई के साथ, उसी दमदारी के साथ काम होगा। सबसे पहले हमारे जो समाज है, उस समाज के हर वर्ग को, ज़्यादा कमजोर से कमजोर व्यक्ति, हर व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसकी लड़ाई भी लड़ेगी। साथ में मूलभूत मुद्दे जो समाज की लड़ाई लड़ी जाती है उन मुद्दों पर भी हम लड़ाई लड़ेंगे। इंदौर से एन के मीणा के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।